अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद हूर। किचन विद हूर में आप सबका बेहद खुश आमदीद है, और जो चैनल को डेली वॉच करते हैं उनका सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो चैनल पे नए आए हैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और नए आने वालों को जो देखने वो जो चैनल को पसंद करते हैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि नीचे दिए गए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाए। आज मैं किचन विद हूर में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही काम और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक हेयर की ड्राइनेस दूर करने के लिए, जैसे उलझे उलझे बाल होते हैं, ठीक है, और जब हम कंघी करते हैं टूटते हैं, ठीक है, उस लिहाज से मैं एक रेमेडी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जो अब आपके बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करेगी, बेहतर करेगी, ठीक है। गर्मियों में हम ऑयल नहीं यूज़ कर सकते, नहीं दिल करता, चिपचिपाहट सी फील होती है, पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है, और ये पसीने की स्मेल को भी ख़त्म करेगा। बालों में अगर स्मेल वगैरह आती है, हम चुटिया बना लेती हैं, बास के लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हेयर होते हैं, ठीक है, वो चुटिया करती हैं और हल्की पसीने की वजह से उन बालों में स्मेल आने लगती है, ठीक है, वो भी स्मेल भी ख़त्म होगी और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, ठीक है, और इस वो को कोई ज़्यादा अज्जा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, काम ही अज्जा से बनने वाला और बहुत ही इफ़ेक्टिव। मैं आपके साथ ये हेयर स्प्रे या आपको नाम ले लें, ये एक सोल्यूशन का नाम ले लें, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको बनाने के लिए हमें जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो बहुत जल्द और बहुत इफ़ेक्टिव बनने वाली चीज़ है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो आपके फीडबैक से ही हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है कि आपको कि हमारी बनाई हुई हमारी जो कावश जो आपके लिए की आपको कितनी अच्छी लगी है, ठीक है, इसको कोशिश होती है अच्छी और मुस्बत चीज़ आपके साथ शेयर की जाए। चलें अब आपको बताती हूँ इसको बनाने के लिए मुझे किन अशिया की ज़रूरत है। हाँ जी, इसे हेयर स्प्रे को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है, कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, बस एक ही चीज़ है, ठीक है, इसे आप अपने हेयर को नरम और मुलायम और खूबसूरत बना सकेंगी, ठीक है। ये मेरे पास देसी गुलाब थे, ठीक है, उनको मैंने उबाल लिया, उबालने के बाद हम इसको स्ट्रेन करते हैं, ठीक है। ये एक बड़े वाला गुलाब था मेरे पास, ठीक है, इसको हमने स्ट्रेन किया, स्ट्रेन करने के बाद हम अब इसमें डालेंगे विटामिन ई के 2 कैप्सूल, ठीक है। अब आप इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल डालने हैं, दो अदद कैप्सूल डाल दिए, ठीक है। ये आपके बालों को लॉन्ग स्ट्रॉन्ग भी करेगा, बालों की फिजीनेस भी दूर करेगा, ठीक है, बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब देखें ना, गर्मी है तो बंदे से ऑयल नहीं करने को दिल करता, बालों में एक चिपचिपाहट सी फील होती है, ठीक है। तो आप जो है ना ये बना लें, ठीक है, आपने सर को किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ वॉश किया, अच्छे से वॉश करें, ठीक है। उसके बाद बाल जो है ना, बार दफ़ा होता है कि हम कोई भी शैम्पू कोई भी चीज़ यूज़ करें, गर्मी हो सर्दी हो ना, बालों में खुश्की सी आ जाती है, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करें, कोई भी स्प्रे बॉटल ले लें, स्प्रे बॉटल नहीं है, कोई भी आम सी बॉटल ले लें, ठीक है। लेने के बाद आपने कॉटन बॉल ले लीजिएगा, कॉटन बॉल लें और हेयर में अच्छे से अप्लाई कर दें। जब आप बाल धो लें किसी भी अच्छे हमारी कोई भी शैम्पू जो आप यूज़ करती हैं जो आपको सूट करता है। वैसे हमारे चैनल के ऊपर होममेड हर्बल शैम्पू की भी रेमेडीज मौजूद हैं, इस तरह आपने लेना है, ठीक है। और पूरे हेयर पे आपने अच्छी तरह रूट से ऐसे जैसे सर से लेके स्कैल्प से लेके नीचे तक आपने आना है, अच्छे से इसका मसाज कीजिएगा, अच्छे से लगाएं, ठीक है। लगा भी रहे कोई इशू नहीं है कि भाई अब हमने फिर हेयर को रेंस करना पड़ेगा, नहीं, ये इसका बेनिफिट है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके हेयर से कोई नुकसान दे किसी किस्म का, ठीक है। ये आप बना के रख लें, एक हफ्ते का बना के रख लें, बालों की जो ड्राइनेस है वो भी ख़त्म होगी, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, ठीक है। अच्छी उम्मीद करती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और किचन विद हूर में हमारी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी और कारामद वीडियो आपके साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं एक अच्छी और कारामद वीडियो में, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।